वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फनी शहर। तो यार नेक्स्ट पार्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको जो है भाई यहाँ के जो कॉमन वाशरूम है वो भी मैं दिखा देता हूँ। कॉमन वाशरूम इस तरह के जो कि बिल्कुल परफेक्ट है और साथ में आपको ये शावर लेने के लिए जगह मिल जाती है। तो ये कॉमन वाशरूम है जो कि सिर्फ टेंट वालों के लिए। तो यार अभी मैं बैठा हूँ जैद के साथ। हमने ऑर्डर किया है चिकन फजीता, क्या था उसका नाम? चिकन फजीता with extra cheese. Yes. And I forgot what it was. It's okay. So यार पिज़्ज़ा आ रहा है, पिज़्ज़ा खाएंगे। उसके बाद आफ्टर डैट हम करेंगे डिनर। ज़बरदस्त यार। लो जी पिज़्ज़ा आ गया है और पहाड़ों में बैठ के खाएंगे पिज़्ज़ा। साथ में चल रही है सिंगिंग। ओह मज़ा। लेट्स स्टार्ट दैट। ओके कैसे? यू हैव टू डू ओके मैन। यार ये अंदर आपको छोटा सा जो प्ले एरिया मिलता है आपको यहाँ पर लूडो। आदिल भाई को बुला के ला, उनको बोलो अंदर लूडो पड़ा है बहुत प्यारा, हम लूडो खेलेंगे। भाई कैरम बोर्ड भी है इधर, स्नूकर भी है, ये भी मजे का यार। नाइस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो फरहान, फरहान व्हाई आर यू लिसनिंग? ये ब्लॉग बना रहा है जरा आपको, ब्लॉग बना रहा है चैनल। यस आई वाज सेइंग, पहले रुको रुको रुको, व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग? फनी सर हियर एनीवे एच ई आर, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर जस्ट सर्चिंग माय YouTube चैनल। ओह द मैच हैज बिगन। Oh, wow. तो भाई मैं अभी खेल रहा हूँ स्नॉकर, और इसके बाद बिलियर्ड कहते हैं इसको। स्नॉकर दूसरा होता है वो जो रेड बॉल्स वाला होता है। हाँ? ये वाइट बॉल। ओह माय गॉड मिस्टर टर्न। ये इनका भाई इधर किचन है, और मेरे ख्याल से जो मेन मेन्यू इधर जो है फास्ट फूड वगैरह बनता है, ठीक है। बाकी जो ऊपर है टिक्का शिक्का कढ़ाई शढ़ाई जो भी आपने खानी है आप ऊपर जाके खा सकते हो। फोर एंड टू, पापा की 4 and 2 चलो। अभी हम खेलेंगे कैरम बोर्ड। कैमरा लेके आओ इधर। ये रात के व्यूज हैं। कानो हिल में शाइनिंग इन द शैडोज लुक फॉल अपॉन द अशोक गन फेल मी एंड फेल मी तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। Hello Zaid. Hello. The next morning. तो यार मैं हूँ इस टाइम लक्सीज होटल, जैसा कि आपको पता है। तो अभी बस हम थोड़ा लेट हो गए, 9 बजे सुबह के। रेडी हो जाए, फ्रेश हो जाए, नाश्ता करेंगे और उसके बाद जाएंगे पासू कोन्स और हुसैनी ब्रिज। सो लेट्स गो। सॉरी। हेलो जी, कैसे हो? ठीक हो ना? तो फ्रेश हो गया हुआ, ठीक है। तो अभी जो है मैंने अपना सामान भी जो है वाइड अप कर लिया, ये बैग्स वगैरह में अपना जो है लगेज पैक कर लिया। तो अभी जो है भाई मैं चलता हूँ ऊपर टॉप फ्लोर पे, मतलब कि जो इनका मेन जो ऊपर रिसेप्शन के पास है वहीं पर इनका जो है बुफे होता है, ब्रेकफास्ट है वहाँ पर। और साथ ही साथ में मैंने आदिल भाई को भी कॉल कर दिया कि भाई रेडी हो जाए जल्दी से, क्योंकि हमने आगे भी निकलना है पासू कोन्स की तरफ और हुसैनी ब्रिज की तरफ। तो चलते हैं फिर। तो यार सामान ले लिया, अब निकलते हैं नाश्ता करने और उसके बाद वो आप दूर देख रहे हैं, दिस इज पासू कोन्स, सो वी हैव टू गो देयर आफ्टर ब्रेकफास्ट। क्रिएटिविटी क्या की हुई है, मतलब कि ये एक इंसान बनाया हुआ है, मतलब स्टैचू बनाया हुआ है जो कि सजदा कर रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, शुक्र अगर तुम शुक्र गुजार हो और ईमान ले आओ तो खुदा तुमको अजाब देकर क्या करेगा, ये लिखा हुआ है। छोटा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पर बैठ के फोटोज़ वगैरह आप क्लिक कर सकते हो। ये भाई नीचे से व्यू है, ये कैंप्स लगे हुए हैं सारे। ये बाहर भी जो है सिटिंग एरिया, यहाँ पर बोनफायर वगैरह होता है, लेकिन अभी ऐसा मौसम नहीं था कि बोनफायर किया जाए, वरना हम भी ज़रूर करते हैं। अभी भूख बहुत लगी है, नाश्ता करते हैं चल के। ये भाई इधर कॉमन वाशरूम्स है जो कि बहुत ही बेस्ट है यार, ज़बरदस्त। मैं इधर ही नहा के आया था। और ये है रिसेप्शन, यहाँ से आप ऊपर जाओगे रिसेप्शन की तरफ। रिसेप्शन भी इतनी ऊपर है ना कि मुझे बैग्स ले कर साथ जाने पड़ रहे, वरना ब्रेकफास्ट करके आ जाते स्कूल से। अभी बस हम पहुंचने लगे हैं ऊपर। ये ऊपर का एरिया जो कि आपको कल दिखाया नहीं था। और यहाँ पर जो है भाई एक चेयर रखी हुई है जो कि एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है, आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो। वो ऊपर वार्ड क्या नाम है वो होगा ब्रेकफास्ट। तो बस ऊपर चलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा भाई इधर से आप थोड़ा नीचे अगर आ जाए ना, इधर ये भी अच्छी जगह है, वो भी फ़ोटो क्लिक करने के लिए जगह है। और यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों का प्ले एरिया है। नीचे भी गेमिंग एरिया था, स्नूकर थी, कैरम बोर्ड था, लूडो था, टेनिस बॉल था, एटसेट्रा चीज़ें थी। मैं ये खा रहा हूँ और जैद पैनकेक्स खा रहा हूँ। फिर सीन्स ऐसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, तो अभी हम निकलने लगे हैं वापसी के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सामने पासू कौन है ना, तो यार अभी के सीन्स कुछ ऐसा है कि अभी हम जाने लगे हैं नीचे। 10 मिनट की वॉक है इधर से और हुसैनी ब्रिज पर हम नीचे पहुंच जाएंगे। और वो सामने यार पासू कोन्स है, दिस इज पासू कोन्स। यार ये ट्रैक है जिधर अभी हम जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय द पीपल ऑफ हुसैनी, 1968 में बना था। भाई शॉप्स वगैरह बनी है, कोई जूसेस पीना आपने, कोई शॉपिंग करनी है, एटसेट्रा चीज़ें। यार व्यू हुसैनी ब्रिज का भाई एक व्यू है, इस बिल्डिंग के पीछे छुप गया हुसैनी ब्रिज में। ज़रा आगे से जाके आपको दिखाता हूँ। ये बस हम पहुँच गए हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। और ये कितना बड़ा दरिया है यार, यहाँ से दैट वन इज हुसैनी ब्रिज। अपने आप में एक झील है भाई, इसको क्रॉस करना। चार सीन्स ऐसे हैं। अभी मैं जाने लगा हूँ हुसैनी ब्रिज पे और ये जिपलाइन है, वहाँ से आप वापसी जिपलाइन भी कर सकते हो। आ जाओ तो तुम निकलो, अगर मुझसे आगे मैं आ जाऊँ आज। तो अभी हम जा रहे हैं इधर हुसैनी ब्रिज पे। वो आगे भी बहुत बंदे हैं भाई, देखने वाला सीन है सारा। इस पर पाँव रखिएगा, नीचे से ध्यान नहीं उठाना। नीचे से नजर ना उठाना ऊपर। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं खड़ा हूँ इधर हुसैनी ब्रिज पे और सीन्स कुछ ऐसे हैं। हम चले हैं वहाँ। यार सीन्स बड़े मजे आ गया भाई, मूविंग करता है पूरा ब्रिज। ये जो मेरे सामने अभी ये पासू कोन्स है और मैं इस वक्त हूँ अभी हुसैनी ब्रिज पे। और ये सामने आपका सारा जो है दरिया देख सकते हैं आप, पूरा ग्रिप करके आपको चलना पड़ता है। तो यार बस पहुँचने वाले हैं, वो हमारा एंड है। बस पहुँच गए। यार हुंजा हो और ये हुसैनी ब्रिज ना आप क्रॉस करो तो कोई फायदा नहीं है टूर पे आने का, हुंजा ना आना। सारा थ्रिल ही यार इसमें है यार, क्या यार मज़ा आ गया ज़बरदस्त। तो भाई बस पहुंच गए इधर। अब जाओ भाई, चले आप आगे हो। तो भाई अभी जो है इधर साइन वगैरह अपने करने लगे हैं कि ये जिम्मेदारी जो है भाई अपनी है, तो लेकिन इंजॉय तो करना है ना, और आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाना है। भाई तैयारी होने लगी है जिप लाइन की। टाइट करके भाई ज़्यादा टाइट हो गया। हाँ ठीक है कर दिया अब तो टाइट। तो भाई अभी हम करेंगे जिप लाइन। ओहो हेलमेट भी देता है भाई, जबरदस्त। पैकिंग ऐसे करवा रहे हैं जैसे कोई मुजाहिद नहीं होते जंग पे जा रहे, जंग से कम भी नहीं है। एक वाला नहीं है ये तो बटा के डेंजरस है, तो मैं कुछ कर लूं इसका, घुमा लूं। नहीं बस अभी सही है। चलें आप अभी कुछ नहीं, जब उधर जाओगे ना और फिर पता चलता है। अल्लाह बचाए सबको। इधर से ज्यादा टाइट है लेकिन ठीक है, अगर रुके तो बस ठीक है, बस ठीक है। तो भाई रेडी टू गो, रेडी। ये इधर जो है आपके सारा वो पैकिंग शेकिंग करते हैं आपको, ठीक है। और देन जो है आप ऊपर जाते हो उधर सीढ़ियों से ऊपर। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, वो ऊपर जाना है, उधर से फिर भाई हम बैठेंगे जिप लाइन। क्या नज़ारे हैं। तो यार सीन ऐसा भी है, दो दोस्त जाएंगे ठीक है, उसके बाद जाना है मैंने। और जिप लाइन का भाई एक थ्रिल है पूरा, मज़ा आएगा करने का। पहले भी काफ़ी दफ़ा किया लेकिन इस दफ़ा ज़रा ये पासू कोन्स साइड्स पे और पहाड़ वगैरह मज़ा आने वाला है। अरे अभी भाई ने बताया, वो आप खुद ही बता दें क्या है। वही सामने रहा शिशपर पीक जी, बाकी उसके जो साइड पे ये माउंटेन नज़र आ रही, इसको शिशपर वॉल भी कहते हैं। तो भाई ये शिशपर वॉल है, तो वो बैक का व्यू आएगा। अभी मोबाइल में साथ ही लेके जाऊँगा, तो राउंड होता है कि नहीं होता, या शायद हम सीधा चले जाएं, तो मज़ा आने वाला है। चले जी भाई, ये हो गया हमारे फरहान भाई, इनका जिप लाइन का बहुत टूर हो चुका। अभी देखते हैं ये कहाँ तक जो ना ये एक्सपीरियंस मज़ीद इंजॉय करता है। तो क्या कहना चाहेंगे अदनान? कहना ये चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा इधर आके, वाकई बहुत प्यारी जगह है। तो ये जिप लाइन और सैंड ब्रिज लास्ट पॉइंट पर हमने बाकी जिप कर दी है, बहुत मज़ा आया। चले जी, ये हुसैनी रेडी मोबाइल सही तरह से ग्रैब करो। चलो ये बाय बाय। मजा आ गया भाई। गुड आ गया भाई, नीचे आ गया भाई, सही लैंडिंग हुआ है। यस तो भाई बहुत मज़ा आया भाई। आप भी ज़रूर जब भी इधर आए हुंजा तो स्पेशल भी ज़रूर आए और ये ज़िप लाइन ज़रूर ट्राई करो। काफ़ी ये अच्छे से पैकिंग करते हैं कि देखें आप कितना टाइम लग रहा है अभी सारा रिमूव करने में। कोई बिल्कुल सेफ है यार, डरने की कोई बात नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सॉरी हेलमेट रह गया था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो भाई बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। तो भाई जिपलाइन भी हो गई है, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज भी देख लिया है और अब बस वापस गाड़ी में चलते हैं। और अब एंड हो गया ना, रस्ते में देखेंगे कुछ और होता है कि नहीं होता, बाकी वापसी का सफर तय करते हैं। वाओ बाइकर्स आए हुए हैं यार, एक दिन मैंने भी बाइक पे आना है। फिलहाल हम चलते हैं वापस। तो यार अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि लक्सेस होटल से निकले थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद हम हुसैनी ब्रिज गए थे, उसके बाद हमने पासू कोन्स विज़िट किया और उसके अलावा हम फिर उधर से वापस आ गए थे। तो अब सीन कुछ ऐसा था कि हमारा ये डिसाइड हुआ कि हमने जो है पाटाकुंडी स्टे करना है, ठीक है, नारान से थोड़ा सा आगे। तो मतलब इधर से जाते हुए नारान से पहले आता है पाटाकुंडी, पहले फिर नारान। तो अभी सीन ऐसा है कि भाई सर से, मेरे जो सर है सीनियर, उनसे मैंने अपडेट ली है। तो नारान में भी बहुत रश है और वैसे अभी भी शाम का टाइम है, 6 बजे 6:30 के करीब ना बाबूसर टॉप को बंद कर दिया जाता है, उधर से फिर ट्रैफिक वगैरह नहीं जाने देते। तो अभी हम डिसाइड करते हैं, ये एक होटल है तो मे भी इधर स्टे कर लें या फिर हमें जाना पड़ेगा आगे चिल्लास स्टे होगा और फिर सुबह सुबह निकलेंगे, फिर देखेंगे कि बाबूसर टॉप वाया बाबूसर टॉप जाना है लाहौर या फिर कराकरा हाईवे से जाना है, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है सर उधर ही थे तो रश बहुत ज़्यादा है उधर। तो लेट्स सी अभी क्या प्लान बनता है, जो भी बनता है आपको तो बताना ज़रूरी है। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें।